It's all about humanity. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं ZUK स्टूडियो सोलो साउंड बार की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये सिंगल साउंड बार है एंड अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 3000 रुपीज। अगर आपको ये साउंड बार को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप इस साउंड बार को पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा। दोस्तों यार ये साउंड बार जो है मेरे हिसाब से काफी बेस्ट है अंडर 3000 रुपीज। तो आज की वीडियो को दोस्तों आप पूरे एंड तक देखिएगा, तभी आपको एग्जैक्ट में इस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। दोस्तों हम इसे डिटेल पर अनबॉक्स करेंगे एंड साउंड टेस्ट भी करने वाले हैं। बाकी दोस्तों यार अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सर वक्त ज्यादा ना गवाते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है हमारा ZUK स्टूडियो सोलो साउंड बार का बॉक्स। एंड देख लीजिए दोस्तों, बॉक्स पर मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ हमें मिल जाता है एंड हमें बॉक्स पर देख लीजिए थोड़े फीचर्स के बारे में भी मेंशन करा हुआ मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इस पर हमें 50 वॉट्स का आउटपुट मिल जाता है, साथ में हमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन का भी सपोर्ट मिलता है। दोस्तों हमें USB की कनेक्टिविटी इस पर मिल जाती है, RGB लाइट्स भी मिलती है, वो चीज़ अभी हम आगे डिटेल पे देखेंगे। दोस्तों इस पर हमें नॉइस कैंसिलिंग माइक भी मिल जाता है, तो यार ये चीज़ बढ़िया लगी है। रिमोट कंट्रोल मिलता है, साथ में हमें इस पर बिल्ट इन सबवूफर भी मिल जाता है, 3D सराउंड साउंड का भी सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों यार ये सारी चीज़ें चेक करेंगे कि यार एक्चुअल में बढ़िया मिलती है या नहीं मिलती है। सो फटाफट से पहले अपने बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। सबसे पहले देख लीजिए, हमें यूज़र मैनुअल मिल जाती है, साउंड बार के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र मैनुअल पर मिल जाएगी। दोस्तों हमें छोटा सा रिमोट कंट्रोल भी इस पर मिल जाता है। रिमोट कंट्रोल की दोस्तों बिल्ड क्वालिटी तो मुझे एवरेज सी लग रही है, बट यार रिमोट कंट्रोल पर देख लीजिए हमें इक्वलाइजर का बटन मिल जाता है, सो हम इक्वलाइजर को रिमोट कंट्रोल के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमें अडेप्टर भी मिल जाता है साउंड बार को चार्ज करने के लिए। इस पर हमें इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है 1800 mAh की, सो हमें अडेप्टर भी मिल जाता है। दोस्तों हमें ऑक्स केबल भी बॉक्स के अंदर मिल जाती है, साथ में हमें वारंटी कार्ड भी इस पर मिलता है। चलिए दोस्तों अब अपने साउंड बार को बॉक्स से बाहर निकालते हैं एंड अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने साउंड बार को भी अनरैप कर दिया है। दोस्तों यार इसका डिज़ाइन देखिए, सबसे पहली चीज़ यार साउंड बार उतना टॉल साइज में हमें नहीं मिलता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। देख लीजिए हमने अपने हैंड पे होल्ड कर रखा है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि यार कितना साइज है इस साउंड बार का। चलिए दोस्तों अब मैं आपको साउंड बार को भी पूरी डिटेल में दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बटन्स मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, ब्लूटूथ का बटन मिलता है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बटन मिलता है, साथ में हमें प्ले पॉज का भी बटन मिल जाता है। दोस्तों सामने की तरफ से ही हमें स्पीकर लगे हुए मिल जाते हैं 2, बट यार ये नहीं मेंशन करा गया है कि यार ये कितने इंच के हैं। एंड दोस्तों सामने की तरफ से ही हमें 2 पैसिव बेस रेडिएटर भी मिल जाते हैं लगे हुए, सो देखेंगे कि यार बेस क्वालिटी कैसी हमें मिलती है। दोस्तों इस साइड पर देख लीजिए, हमें ऑक्सिलरी पोर्ट मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, ऑप्टिकल इनपुट पोर्ट मिल जाता है, साथ में हमें चार्जिंग के लिए भी पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। बाकी दोस्तों यार बिल्ड क्वालिटी साउंड बार की हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, ABS प्लास्टिक यूज़ करा गया है, सो डिज़ाइन वाइज काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलिए दोस्तों अब अपने साउंड बार को पावर ऑन कर लेते हैं एंड मैं आपको इसका लाइट इफेक्ट दिखा देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों यार, नीचे से ही हमें लाइट इफेक्ट इस पर मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो थोड़ा इस चीज़ को आप डिटेल में देख लीजिए, फिर इसका साउंड टेस्ट करते हैं। दोस्तों अब इस साउंड बार का साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए, हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। We'll be right back.
तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस साउंड बार की साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि इस साउंड बार पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यार साउंड क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब क्रिस्पी साउंड मिलता है, क्लियरिटी काफ़ी बढ़िया हमें मिलती है, बट दोस्तों यार लाउडनेस उतनी बढ़िया हमें नहीं मिलती है जैसे कि इस पर 50 वर्ड्स के बारे में मेंशन करा गया है। बट यार दोस्तों लाउडनेस की अगर मैं बात करूं तो उतना लाउड साउंड हमें नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेस क्वालिटी की, जैसे कि इस पर हमें 2 पैसिव बेस रेडिएटर मिल जाते हैं लगे हुए। सो यार दोस्तों बेस क्वालिटी अच्छी है, बट यार ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि यार साउंड बार से ही हमें काफ़ी डीप एंड थंब बेस मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल सा बेस इफेक्ट हमें ज़रूर लगा है इस पर। सो ओवरऑल यार दोस्तों साउंड क्वालिटी अच्छी है, बैटरी मिल जाती है, प्लस पॉइंट है। बट यार दोस्तों जो इसका प्ले टाइम है वो हमें बड़ा कम देखने को मिला है, ओनली 2 से 3 आवर्स तक का प्ले टाइम हमें इस पर मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। प्ले टाइम मेरे हिसाब से अराउंड 5 से 6 आवर्स तक होना चाहिए था। अब वैसे होगा भी कम क्योंकि दोस्तों यार इस पर केवल हमें 1800 mAh की बैटरी मिलती है, सो उस हिसाब से प्ले टाइम मुझे थोड़ा कम लगा है। बाकी दोस्तों बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है, एंड एक चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी है कि दोस्तों यार इस पर हमें ऑप्टिकल इनपुट पोर्ट भी मिल जाता है। सो दोस्तों यार यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सो यार आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपको इस मॉडल की साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो ज़रूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।